बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एक अहम तालीमी ख़बर से हम आपको आगाह करते जा रहे हैं और ये ख़बर है 2024 में होने वाले इम्तिहानात के सिलसिले में, यानी 2024 में जो इम्तिहानात होंगे उसमें पास होने का क्या सिस्टम होगा। इस सिलसिले में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। पंजाब बोर्ड ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। पंजाब एजुकेशन बोर्ड की खबर के मुताबिक अब 2024 में जो बच्चे इम्तिहान देंगे उनके पासिंग मार्क्स 33% से बढ़ाकर 40% कर दिए गए हैं। यानी पहले अगर 100 में से 33 नंबर लेने वाला पास होता था तो अब 40 नंबर लेने वाला पास होगा। इसी तरह अगर हम बाकी बात करें तो 50 नंबर वाला जो पेपर होगा उसमें पास होने के लिए 20 नंबर लेने ज़रूरी होंगे, जबकि 60 नंबर वाले पेपर में ज़रूरी होगा कि 24 नंबर लिए जाएं। 75 नंबर वाले पेपर में पास होने के लिए 30 नंबर का लेना ज़रूरी है, जबकि 85 नंबर वाले पेपर में पासिंग नंबर होंगे 34, 100 नंबर वाले पेपर में पासिंग नंबर होंगे 40। यानी कि अब मेहनत जो है वो मज़ीद ज़्यादा करनी होगी। इसके साथ साथ 25% पेपर को नेस्पिट की बुनियाद पर बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब पंजाब के साथ साथ बाकी दीगर सूबों की भी खबर आने वाली है अनकरीब। और जैसा कि ये भी बता दिया गया था कि 2024 में अपग्रेडिंग सिस्टम भी लागू हो रहा है, जो कि सामने आ भी चुका है। अब पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स को मेहनत करनी होगी पहले से ज़्यादा, बल्कि पाकिस्तान भर के स्टूडेंट्स को पहले से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।